सो हाय फ्रेंड्स, आज हम पार्ट मॉडलिंग की प्रैक्टिस करेंगे। ये हमारी ड्राइंग है, ठीक है। सबसे पहले हम ये सर्कल ड्रॉ करेंगे। इसका डाया है 38। प्लेन सेलेक्ट करेंगे स्केच कमांड पे, और यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करते हैं हम। 38 का डाया, 38 का डाया, ओके, ठीक है। एग्जिट ऐड करेंगे और हम इसे देंगे दो डायरेक्शन, बिकॉज हम यहाँ से बना रहे हैं सेंटर से, ये इस लाइन से। तो यहाँ से ये 12 है और ये 13 है, ठीक है। फर्स्ट फ्रंट की साइड ये 12 है, मोर पे जाएंगे हम, सेकंड डायरेक्शन लिमिट आएगी हमारी, तो यहाँ पे ये 13, ओके कर देंगे। तो यहाँ पे ये आगे इस प्लेन से यहाँ पे फ्रंट की साइड ये 12 है और यहाँ पे 13 है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट स्टेप हमारा रहेगा हम ये बनाइए, ठीक है, शेप, ठीक है। इसके लिए प्लेन सेलेक्ट करेंगे हम, वाइजी स्केच पे अगेन, और हम प्रोफाइल देंगे। ओके, ठीक है। इसमें आगे हम एक और कमांड सीख लेंगे। तो यहाँ पे मेरा जो रेडियस है वो 15 है, ठीक है, और ये डिस्टेंस है 78 और ये 10 है। तो मतलब 78 प्लस 10, तो ये यहाँ तक का डिस्टेंस आ जाएगा, क्योंकि ये डिस्टेंस, ये थिकनेस 10 है, यहाँ पे देख सकते हो आप। तो यहाँ से और वहाँ से ये है 78 प्लस 10, ठीक है। और ये हाइट जो रहेगी इसकी, यहाँ पे ये 15 है, हाइट है 45, और ये टोटल हाइट है सेंटर से 75 माइनस 45, ठीक है। ये सेंटर से टोटल हाइट है 75 माइनस 45, ये हमारी आई 30, और ये रेडियस हमारा है 15, ठीक है। ये हमारा हाफ स्केच बन गया है। अभी नॉर्मल प्लेन करूँगा। अब हम ये सब सिलेक्ट कर लेंगे, और सेम हमें 10 की डिस्टेंस पे चाहिए होगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे जाएंगे ऑपरेशंस में, यहाँ पे एक कमांड आती है ऑफसेट। तो ऑफसेट जितना करोगे उतना वो आ जाएगा, तो ऑफसेट चाहिए हमें 10, तो मैं यहाँ पे 10 रखूँगा, और ये 10 का हमारा ऑफसेट आ गया, ठीक है। और अब मैं इसे ज्वाइन कर देता हूँ, और यहाँ पे ये डायमेंशन दे देता हूँ यहाँ पे 10, ठीक है। पास है 5 हमारे पास, और यहाँ पे इन्होंने ये टेंडेंसी नहीं उठाई है, तो इसे मैं टेंडेंसी और इसको भी टेंडेंसी दे देता हूँ। इसमें ये कुछ मिसिंग रह गया है, वर्टिकल कर देता हूँ, और ये हमारा तो कंस्ट्रेंट हो गया, ठीक है। एग्जिट करता हूँ, एग्जिट करेंगे तो मैं यहाँ पे देखूँगा, ये यहाँ से सेंटर पॉइंट से ये 19 है और ये टोटल 38 है, ठीक है। यहाँ पे सिलेक्ट करोगे मिरर एक्सटेंट, दोनों तरफ बराबर थिकनेस चाहिए, टोटल है 38 डिवाइडेड बाय 2, और ये आके आपके पास 19, ठीक है। और अब हमें बनाना है ये वाला पोर्शन, ये तो ये है 69 और इसकी हाइट जो है वो 45 है, ठीक है। ये फेस सेलेक्ट करूँगा, क्योंकि मैंने जो डायमेंशन ली थी वो यहाँ से लेकर यहाँ तक 78 थे, ठीक है। देखोगे आप
10 भी ऐड कर लिया था, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ली थी, तो ये 10 रहता है, ये जो है 69 और 45। ये फेस सिलेक्ट करूँगा, स्केच पे जाऊँगा और फिट टू स्क्रीन करूँगा, तो ये आ जाएगा, ठीक है, नॉर्मल टू प्लेन स्केच लूँगा और ये मेरे पास आ गया। कंस्ट्रेंट करेंगे हम इसे, ये जिसके साथ कोइंसिडेंट, ये जिसके साथ कोइंसिडेंट, ये हाइट थी हमारे पास 45 और ये डायमेंशन थी हमारे पास 69, ठीक है, ओके। और इसके साथ में एक ये हमारे पास होल भी है, इसे भी ले लेता हूँ साथ में, ठीक है। ये था इसका डाया 16 और ये डिस्टेंस 22 और ये डिस्टेंस 18, तो सेंटर से ये डिस्टेंस था हमारे पास 22 और इस वाले एस से इसके सेंटर का डिस्टेंस था 18, ठीक है। हमारा फुली कंस्ट्रेंट है स्केच, ऐड करूँगा मैं इसे क्योंकि हमें जो थिकनेस चाहिए दूसरी साइड चाहिए और वो चाहिए हमें 10 mm, ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास, ओके। अब मैं बनाऊँगा ये वाला पोर्शन, ये जो है ये पर वाला, ये जो है, ठीक है, तो ये भी 10 का डिस्टेंस है और ये यहाँ तक है और सेंटर से है ये भी, देखोगे, ये देखो ये सेंटर, सेंटर से बनाऊँगा। स्टिफनर कमांड यूज़ करेंगे इसके लिए, हम पहले इसके लिए सिंगल स्केच बनाएंगे, मतलब सिंगल लाइन से भी हो जाता है, ये सिंगल लाइन से ही बनता है। प्रोफाइल लूँगा, यहाँ पे टायर रहेगा और ये ऐसे करके, ठीक है, और हमारे पास ये डिस्टेंस था 10 और इसका रेडियस जो है हमारे पास वो है 25, ये रेडियस है 25 और ये डिस्टेंस जो है हमारे पास है 10, ठीक है, 25 है, एग्जिट करोगे तो हमारे पास ये स्केच बना हुआ है, ओके, एक मिनट, नहीं ये कॉन्स्टेंट नहीं है ना, यहाँ पे इस एच के साथ कॉन्स्टेंट, ओके, तो ये सॉलिड कंबाइन में जाके ये हमारा आता है स्टिफनर, जैसे क्लिक करोगे ये थिकनेस आ जाएगी इसकी। अब हमें चाहिए साइड से, फ्रॉम टॉप से, तो ये अभी उस अकॉर्डिंगली स्केच नहीं बना है कि ये पे आएगा, दूसरी ड्राइंग में बना के आपको इसका डिफरेंस बताऊंगा। तो ये न्यूट्रल है, मतलब दोनों साइड इक्वल थिकनेस होगी, जैसे मैं 10 करूँगा तो 5-5 दोनों साइड हो जाएगा ये, ठीक है, तो देखोगे 5-5 दोनों साइड हो चुका है ये, ओके करूँगा, ये लग गया, ठीक है। हम देखेंगे यहाँ पे हमें एक चाहिए एज फिलेट, यहाँ पे एज फिलेट दे देंगे और वो एज फिलेट चाहिए हमें 20 की, इसे कर देंगे हम 20, एक एज फिलेट हमें यहाँ पे चाहिए, कितने की चाहिए, ये है 31 की रेडियस की, यहाँ पे जाएंगे इस एच को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे कर देंगे 31, ठीक है। अब यहाँ पे चाहिए हमें एक होल, होल क्लिक करूँगा, ये सेंटर पे आ गया और वो चाहिए हमें 16 का डाया और ये होगा थ्रू मेन अप टू नेक्स्ट, ये होल हो गया हमारे पास, ये था 16 का। अब हमें चाहिए स्मॉल होल 4 डाया के 6 होल,
तो ये एंगल 45 पे रहेगा। यहाँ पे क्लिक करता हूँ मैं, होम पे जाता हूँ, स्केच पे जाता हूँ और ये ठीक है सेक्टर बनाता हूँ ठीक है। और जिसका हमें 25 ओपेसिटी दिया हुआ ये है 25 ठीक है। और हमें एंगल दिया हुआ एक, यहाँ से इस पर क्लिक करूँगा एग्जिट और यहाँ से हमें एंगल जो दिया हुआ है वो है 45 का, 45 पे फुली कंस्ट्रेंट हो गया है हमारा। और ये होल का डाया जो है 4 है और ये अप टू नेक्स्ट है ठीक है, थ्रू होल है हमारा। तो ये हमारे पास होल आ गया। अब हम इसे टोटल कितने होल हैं हमारे पास, 6 होल चाहिए हमें ठीक है। हम यहाँ पे जाएंगे सर्कुलर पैटर्न पे, होल हमारा सिलेक्टेड था, कंप्लीट कराऊँ क्योंकि 45 डिग्री हमने पहले दे दिया। कितने चाहिए हमें, 6 चाहिए और रेफरेंस किसके अराउंड चाहिए ये सिलेक्ट कर दिया हमने 6। कंप्लीट कराऊँ, प्रीव्यू ओके ठीक है। तो ये हमारे पास आ गए ठीक है। तो ये हमारा पार्ट मोल्डिंग का जो ड्राइंग थी वो बन गई है हमारे पास ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।